हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भी छात्र BA द्वितीय वर्ष में हैं और उनका सब्जेक्ट इतिहास है, हिस्ट्री है। ओके, तो आज हिस्ट्री का पेपर पढ़ने वाले हैं। ये प्रथम प्रश्न पत्र है हमारा, यानी फर्स्ट पेपर है। अगर सेकेंड पेपर की बात करें तो सेकेंड पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमने टोटल 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज चलाया था सेकंड पेपर का, वो कंप्लीट कर दिया हमने। तो अब ये जो प्रथम प्रश्न पत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी लिखने वाला होगा, तो इसलिए हम इसको बोर्ड पर पढ़ाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सिलेबस के विषय में जानेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज आसान तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ओके, तो इससे पहले हम पहले सिलेबस जानेंगे तो फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए हम सिलेबस जानते हैं। देखिए, इतिहास में हमको पढ़ना है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इतिहास हम लोग तीन प्रकार के इतिहास पढ़ते हैं। एक पहला हो गया प्राचीन इतिहास, क्या पढ़ते हैं? प्राचीन इतिहास। दूसरा पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास, क्या पढ़ते हैं? आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो आपके पेपर में जो पढ़ना है, प्रथम प्रश्न पत्र में जो पढ़ना है, वो मध्यकालीन का इतिहास पढ़ना है। प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ना है और ना ही आधुनिक इतिहास पढ़ना है। पढ़ना क्या है? मध्यकालीन का इतिहास। होता क्या है कि प्राचीन इतिहास में जहाँ से मानव की उत्पत्ति होती है, प्राचीन इतिहास में दिया होता है। मध्यकालीन यानी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ क्या पढ़ना है हमको? 1526 ईसा पूर्व से 1761 ईसा पूर्व तक। ओके, ईडी का मतलब क्या हो गया? ईसा पूर्व। ओके, तो 1526 से 1761, इसमें क्या होता है मध्यकालीन में, जब मुगल आते हैं, अकबर, तो ये इन सब के विषय में हमको पढ़ना है, इनके साम्राज्य के विषय में पढ़ना है, इनके शासन के विषय में पढ़ना है, इनके जीवन काल के विषय में पढ़ना है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे बारी बारी से। ओके, और आधुनिक इतिहास हमको नहीं पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास को हमको कितने पार्टों में पढ़ना है, है ना, किन किन चैप्टरों को पढ़ना है, इसके विषय में हम चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है हम लोग इसमें चार यूनिट में पढ़ेंगे। कितने? चार यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई, इकाई, है ना। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, और यूनिट फोर्थ। है ना, यूनिट फोर। तो जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है हम लोग चार यूनिट में पढ़ेंगे। पहले यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत। ओके, इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, है ना। इतिहास, मुगलकालीन इतिहास के स्रोत, सम्राट अकबर के विषय में पढ़ेंगे, इसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, और इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए, है ना। ये आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न दोनों में पूछे जाते हैं। हो सकता है अगर ये दीर्घ में नहीं आएगा तो लघु में दे दिया जाएगा, और लघु उत्तरी में नहीं आएगा तो दीर्घ में दे दिया जाएगा। ओके, तो हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे, ये तो अभी सिलेबस बता रहे हैं, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार पूर्वक इन सभी चीज़ों को पढ़ाएंगे। इतिहास का अर्थ, इतिहास का क्या है अर्थ इसका, और इसकी परिभाषा क्या है, इसको जानेंगे फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। ओके, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो दूसरा हमारा पॉइंट आता है उसमें उत्तर भारत का और उत्तर भारत और राजनीतिक परिदृश्य पढ़ेंगे। उत्तर भारत में बाबर के आक्रमण के विषय में पढ़ेंगे, बाबर ने कितने राज्यों पर आक्रमण किया। ओके, और जौनपुर का विस्तार कैसे हुआ, राजस्थान का विस्तार कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। अब चलिए हम देखते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हमको, ये देखेंगे। सेकंड यूनिट के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर, 1526 से 1556 के बीच। बाबर ने अपने जीवन काल में 1526 से लेकर 1556 के बीच क्या क्या कारनामे किए, इनका जीवन काल कैसे रहा, है ना, इन्होंने कितने युद्ध जीते, इनको कितना संघर्ष करना पड़ा, ये सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसी सेकंड यूनिट के अंतर्गत अकबर के विषय में। ओके,
1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इनके जीवन काल पढ़ेंगे। ये कितने युद्ध जीते, इनका कैसे संघर्ष रहा, है ना, तो इन्होंने कितने कितने राज्यों पर आक्रमण किया, इनकी शक्ति कैसे रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके विषय में जानकारी करेंगे जब इनके विषय में हम पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं तीसरे यूनिट के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। दोस्तों इसी प्रकार मध्यकालीन भारत के इतिहास के थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम लोग सर्वप्रथम पढ़ेंगे जहांगीर के विषय में। क्या पढ़ेंगे, जहांगीर के विषय में पढ़ेंगे। 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक इन्होंने क्या कारनामे किए, उनके विषय में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो पढ़ेंगे शाहजहाँ के विषय में पढ़ेंगे। 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक इन्होंने क्या क्या चीज़ें किए, भारत के अंदर क्या क्या बदलाव किए, कैसा शासन रहा इनका, इन सभी चीज़ों के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि इससे लघुत्तरी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और दीर्घोत्तरी भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब के विषय में, जिनका शासन रहा 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, तो इनके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर, इनके विषय में हम लोग थर्ड यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ यूनिट के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, क्योंकि चार यूनिट में भारत मध्यकालीन भारत के इतिहास आपका बांटा गया है, तो चतुर्थ यूनिट को हम देखते हैं। ओके दोस्तों, यूनिट फोर के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, टोटल 7 टॉपिक पढ़ने हैं। यूनिट 4 के अंतर्गत टोटल 7 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है हमारा मराठा शक्ति का उदय, मराठा शक्ति का उदय एवं शिवाजी, संभाजी तथा राजा राम के विषय में पढ़ना है। ओके, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तभी हम दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अगला है दूसरा पॉइंट हमारा उत्तरवर्ती मुगल तथा अवध व हैदराबाद के नवीन राज्यों का उदय, और तीसरा पॉइंट हमारा मुगल साम्राज्य के पतन यानी विघटन के कारण, मुगल साम्राज्य कैसे विघटन हो गया, कैसे उसका पतन हुआ, उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरी में भी पूछा जा सकता है और लघु उत्तरी में भी पूछा जा सकता है। और चौथा पॉइंट हमारा प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उस समय की, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उस समय काल में, 1526 से 1761 तक, 1526 से 1761 तक प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ओके, अगला पॉइंट हमारा पाँच नंबर मुगलकालीन आर्थिक स्थिति, मुगलकालीन आर्थिक स्थिति क्या थी, है ना, उसके विषय में पढ़ेंगे। और छठवां पॉइंट जो हमारा धर्म एवं संस्कृति, उस समय किस धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा था, संस्कृति क्या थी उस समय की, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अगला सेवन पॉइंट हमारा मुगलकालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला, उस समय की चित्रकला किस प्रकार से थी और स्थापत्य कला कैसी थी, किस प्रकार की कलाएँ वहाँ पर चलती थी उस समय, 1526 से 1761 तक, इन सभी चीज़ों के विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये रहा आपका सिलेबस, टोटल चार यूनिट में कितने टॉपिक पढ़ने हैं आपको, किन किन चीज़ों के विषय में पढ़ने हैं, ये सब हम लोगों ने जान लिया। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस को समझा, इसके बाद हम लोग प्रत्येक टॉपिक पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ और अच्छा से प्रदर्शन कर पाएँ और अच्छे मार्क ला पाएँ। बाबर, अकबर, हुमायूं, जितने भी मुगल साम्राज्य, मराठा शक्ति, है ना, शिवाजी, इन सभी चीज़ों के विषय में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।